हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग सेंस चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बिल्डिंग संचालन में। आज हम बात करने वाले हैं HVAC सिस्टम के टाइप्स पर। लास्ट वीडियो में हमने HVAC की हिस्ट्री के बारे में बात किया था कि विंडो AC कब बनाया गया, भारत में सबसे पहला AC कब लगाया गया, विंडो AC किसने बनाया, और जो HVAC सिस्टम का जो आविष्कार हुआ वो किसने किया, किसने डिजाइन बनाया, और कब से हम ये HVAC सिस्टम यूज करते आ रहे हैं। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ HVAC सिस्टम, तो फ्रेंड्स आप इनको AC का टाइप मत समझिएगा। ये AC कितने प्रकार के होते हैं वो नहीं है, ये HVAC सिस्टम यानी जो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन होते हैं, यानी जो ठंडा और गर्म करने की मशीन होते हैं, उनके प्रकार नहीं है। उन मशीनों में कौन कौन से सिस्टम यूज किए जाते हैं, किस प्रकार के सिस्टम हम यूज करते हैं वो है। मींस कि HVAC सिस्टम जो उसको ठंडा करने का या गर्म करने का तरीके के हिसाब से कौन कौन से सिस्टम यूज किए जाते हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। AC कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो HVAC सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, देखिए बिल्डिंग्स दो प्रकार की होती हैं, ये आप लोग जानते अच्छे से। और HVAC सिस्टम यानी जो भी हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन होते हैं वो बिल्डिंग्स में ही लगाए जाते हैं। रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कॉमर्शियल भी हो सकती है, और इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, और तुम्हारा जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल ये छोटी छोटी बिल्डिंग है, बिल्डिंगें बड़ी हो सकती हैं लेकिन अपार्टमेंट छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ जो हमें AC चाहिए वो छोटे चाहिए, यानी वो लोकल के अंतर्गत आते हैं। जो HVAC सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है लोकल HVAC सिस्टम। लोकल HVAC सिस्टम मींस जो हमारे गांवों में या पुराने तरीके से जो ओल्ड प्राचीन काल से यूज किया जा रहा है वो लोकल HVAC सिस्टम के अंतर्गत आता है। यानी जो हमारे गांव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं, उनके अंतर्गत जो छोटी बिल्डिंग्स हैं जो पोर्टेबल टाइप के लगा सकते हैं हम, छोटे छोटे हैं, वो लोकल HVAC सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, यानी उनमें लोकल HVAC सिस्टम लगा होता है। तो ये कैसे कैसे इसका आविष्कार हुआ और कैसे कैसे ये प्रचलन में आया वो मैं आगे बताता हूँ कितने प्रकार का ये होता है। फ्रेंड दूसरा होता है कॉमर्शियल, या आप इसको मॉडर्न भी कह सकते हो। जो आप चिलर प्लांट देखते हो, जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं या लो राइज बिल्डिंग होती हैं जिसमें हम सेंट्रलाइज AC लगाते हैं, सेंट्रलाइज चिलर प्लांट लगाते हैं, वो होते हैं कॉमर्शियल। मैं बात करूंगा लोकल HVAC सिस्टम। फ्रेंड्स लोकल HVAC सिस्टम भी 4 से 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर हम इनिशियल की बात करें तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये सर्दियों से बचने के लिए जो वो यूज करते थे वो सबसे पहला लोकल हीटिंग सिस्टम आता है। यानी देखिए मैं HVAC सिस्टम का मतलब गर्म करना और ठंडा करना दोनों उसके अंतर्गत आता है। आप सबसे पहले अपने दिमाग में से ये निकाल देना कि HVAC यानी ठंडा करना नहीं। इंडिया में क्या है, इंडिया में काफ़ी हिस्से में गर्मी रहती है, सर्दी बहुत कम पड़ती है, कुछ हिस्सों में सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री हैं वो हमेशा सर्दी रहती हैं, वो गर्मी रहती नहीं उनमें। तो जब उनमें ठंडा रहता है तो वो तो उसको ठंडा करेंगे नहीं, वो तो गर्मी करेंगे ना। तो जैसे ही HVAC सिस्टम का मतलब है जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसा करना, यानी अगर गर्म की ज़रूरत है तो गर्म करना और ठंडे की ज़रूरत है तो ठंडा करना। जब जैसे यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं उनमें क्या है, हम जैसे यहाँ चिल्ड वाटर चलाते हैं ऐसे ही वो हॉट वाटर चलाते हैं, यानी वो बॉयलर का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला आता है हीटिंग सिस्टम, लोकल हीटिंग सिस्टम है, सबसे पहले आता है हीटिंग सिस्टम। तो लोकल हीटिंग सिस्टम क्या होता है, अब आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन जस्ट आपसे मैं पूछ लूँ लोकल हीटिंग सिस्टम क्या है क्या आप लोग नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो या आप जानते हो या माइंड पर जोर दोगे तो आपको पता है लोकल हीटिंग सिस्टम। अब आप एंशियंट टाइम में पहुंच जाइए यानी गांवों में पहुंच जाइए, तो गांवों में सर्दियों में आप अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैंने जो देखा है नॉर्मली कि हम क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ लकड़ी उपले ईंधन जला लेते हैं और उसके चारों तरफ बैठ के अपने आप को हीट प्राप्त करते हैं। मीन्स और शहरों में उसका क्या करते हैं, शहरों में अंगीठी जला लेते हैं। तो अंगीठी जलाना और हमें जो है ऑयल हीटर आ रहे हैं, ऑयल हीटर यूज करना, ब्लोअर यूज करना, हॉट ब्लोअर ब्लोअर आ रहे हैं आजकल जो हीटर यूज कर रहे हैं, हीटर आ रहे हैं कमरों में, रूम हीटर आ रहे हैं, तो ऑयल टाइप के भी और ब्लोअर टाइप के भी दोनों प्रकार के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोकल आती हैं, यानी लोकल हीटिंग सिस्टम है ये। अगर गाँव में जाओगे तो वहाँ वो ईंधन का यूज करते हैं, अंगीठी का यूज करते हैं, आजकल वो भी हीटर का और ब्लोअर का यूज करने लगे हैं। और शहरों में आओगे तो शहरों में ईंधन की और उसकी इतनी मिलता नहीं है, इतनी ईजीली नहीं मिलता है,
अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हीटर, ब्लोअर, ऑयल हीटर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं और ये लोकल हीटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर है इसका ही 1.2, लोकल वेंटिलेशन सिस्टम। मीन्स कि इंसान को अच्छा फील करने के लिए, यानी गर्मी हो रही है तो लोकल वेंटिलेशन सिस्टम आता है। वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि हवादार बनाना, यानी हमें जो हवा है वो हवा तो मिल रही है मगर उस हवा के तापमान में कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। मीन्स ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना तो हम टेम्परेचर घटा रहे हैं। जैसा वायुमंडल में टेम्परेचर है वैसे ही हवा हमें प्राप्त होना, वो होता है लोकल वेंटिलेशन सिस्टम। जैसे गाँव में आपने देखा होगा थोड़े पुराने समय में क्या है, हाथ के पंखे होते थे और हाथ के पंखे से इंसान अपनी हवा करता था, वो भी वेंटिलेशन के थ्रू ही आता है। अब उसके बाद फ़ैन आ गया, सीलिंग फ़ैन आ गया, वॉल माउंटेड फ़ैन आ गया, बहुत प्रकार के फ़ैन आ गए हैं, और फ़ैन में भी आगे फिर कई सारी चीज़ें आ गई हैं, कूलर आ गया है, कूलर भी एक तरह से, लेकिन कूलर जो आता है वो सिस्टम लोकल कूलिंग के सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो जितने भी फ़ैन हैं हमारे पास, चाहे वो एग्जॉस्ट टाइप के हैं, चाहे वो किचन एग्जॉस्ट है, चाहे रूम फ्रेश एयर है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हैं, जो भी एयर के टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं कर रहा और हवा हमें दे रहा है या हवा हमारी यहाँ निकाल रहा है, मान लो एग्जॉस्ट फैन है वो बाहर एयर निकाल रहा है, तो बाहर एयर निकाल रहा है तो किसी साइड से अंदर भी तो आ रही होगी, यानी वेंटिलेशन हो रहा है, हवादार हो रहा है, यानी जो हमारा कमरा है उसमें हवा आ रही है और बाहर जा रही है, तो दैट मीन्स वो हमें थोड़ा अच्छा महसूस कराएगा और हमारी गर्मी को थोड़ा कम करेगा, तो वो होता है लोकल वेंटिलेशन सिस्टम। अब मैं बात करता हूँ लोकल कूलिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, लोकल कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या है, देखिए कूलिंग मतलब जो भी हवा हमें मिले वो ठंडी होके मिले, हीटिंग सिस्टम में गर्म होके मिले और ऐसे ठंडी होके मिले, तो लोकल कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या है। अब आपने देखा होगा, पहले आपने गाँव में भी मैंने देखा है, जब मैं छोटा सा था तो हम लोग क्या करते थे कि जो टाट होता है ना, टाट या बोरी होती है, बोरियों पर क्या है, साइड में दीवार पर या मीन्स दरवाजे पर टांग ली जाती थी और उसको गीला कर देते थे। तो उसमें जब, अब मान लो दरवाजे आमने सामने हैं और दोनों साइड वो टंगी हैं, तो उसमें जब हवा एक तरफ से चल के दूसरी तरफ निकलती थी तो हवा बहुत ठंडी ठंडी हो जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, वो लोकल कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, लेकिन वो काफ़ी पुरानी समय की बात है तो वो अभी यूज़ नहीं होता है और प्रचलन में नहीं है। अभी प्रचलन में क्या है, कूलर। ठीक है, कूलर भी बहुत सारे प्रकार के आने लगे आजकल, ऑटोमेटिक भी आ रहे हैं और स्मार्ट भी आ रहे हैं, बहुत प्रकार के कूलर आ रहे हैं। तो जो ये कूलर है, कूलर क्या करता है, कूलर में पानी का फ्लो रहता है, जो उस पर फिल्स लगी रहती हैं या उसकी जाली लगी रहती है उस पर पानी का फ्लो रहता है और उसके टच में होकर के हवा जो है आती है और वो हवा हमें ठंडी महसूस होती है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए हमें इसे एसी नहीं कह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो कूलर जितने भी हैं ये सारे जो हैं किसके, लोकल कूलिंग सिस्टम के तहत आते हैं। जिस तरीके से भी हमें हवा ठंडी करके मिल सके वो सारे लोकल कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये अभी अभी भी ये यूज में हो रहा है फ्रेंड्स, वेंटिलेशन जितने भी आप फैन यूज कर रहे हैं वो यूज में हो रहे हैं, लोकल हीटिंग सिस्टम आज भी यूज में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज बंद है, नहीं है, गांव में आप चले जाइए आराम से वो पुअर जलाते हुए मिल जाएंगे, आग जलाते हुए मिल जाएंगे सर्दियों में, तो वही सिस्टम यूज हो रहे हैं। चौथे नंबर पे आते हैं लोकल एयर कंडीशनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब एयर कंडीशनिंग की जब हम बात करते हैं, देखिए लोकल हीटिंग सिस्टम ये इसकी इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसकी है ही नहीं, इनिशियल कॉस्ट इसकी जीरो या ना के बराबर या बहुत कम है। उसके बाद लोकल वेंटिलेशन सिस्टम, फैन आ गए, इसकी इनिशियल कॉस्ट कुछ और बढ़ी। उसके बाद लोकल कूलिंग सिस्टम आ गए, इसकी इनिशियल कॉस्ट और कुछ बढ़ी, यानी आप फैन लाओगे तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, बिजली का भी खर्च देना पड़ेगा आपको और इनिशियल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये लोकल कूलिंग सिस्टम में अगर आप कूलर लाते हो तो कूलर कई तरीके के आते हैं, वो भी महंगे आ रहे हैं, तो उसमें भी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है और इनिशियल कॉस्ट भी है। फ्रेंड्स, इससे आगे हम बढ़ रहे हैं लोकल एयर कंडीशनिंग। तो लोकल एयर कंडीशनिंग, अब एयर जब कंडीशनिंग हुई तो उसकी इनिशियल कॉस्ट और ज़्यादा है, सारे अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। मान लो रूरल एरिया में है जिनके पास खाने के लिए, नहाने के लिए भी प्रॉब्लम है, वो रोज का खाते हैं, रोज का बनाते हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, तो उनके पास तो एयर कंडीशन नहीं लगाएंगे ना, घर भी पक्के नहीं है उनके, यानी कुछ शर्तें होती हैं हर चीज़ के लिए, उसी बिहाब पे यूज किया जा रहा है। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो आज भी बॉयकॉट किया गया या ख़त्म हो गया है या बिल्कुल जड़ से अब यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकल एयर कंडीशनिंग में एयर कंडीशनिंग भी दो तीन प्रकार का यूज कर रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ विंडो एसी। विंडो एसी को आप जानते हो, छोटा एरिया 10x10 का एरिया है, यानी एक कमरा है, एक कमरे को ठंडा करने के लिए आप विंडो एसी लगा लेते हो, विंडो एसी सफिशियंट है, उसकी इनिशियल कॉस्ट भी कम है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, क्योंकि ये 1 से 1.5 टन का आता है, तो 1 से 1.5 टन का आता है, उसका इनिशियल कॉस्ट 18 से 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार में आपको मिल जाएगा और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट यानी बिजली जो खपत है वो भी कम है, उसका मेंटेनेंस भी कम है।
उसके बाद इसी में आता है यूनिटरी एसी। यूनिटरी एसी फ्रेंड्स विंडो एसी है, लेकिन विंडो एसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है, ये कमर्शियल रूप से भी लग जाता है, यानी जैसे एक कमरे में लगा लिया और उसी में से डक्ट दूसरे में भी दे दी, तीसरे में भी दे दी, तो ये थोड़ा सा डक्ट सिस्टम हो जाता है, या आजकल फ्लेक्सिबल होज पाइप आ रहे हैं वो सिस्टम हो जाता है, तो वो यूनिटरी एसी बोल देते हैं उसको। ये विंडो एसी का एक बड़ा रूप है। उसके बाद पैकेज एसी। फ्रेंड्स पैकेज एसी आप जानते हो, ये ज़्यादातर आपको जो मिलेगा वो कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग हॉल में मिलेगा, यानी ये जो मीटिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम रहते हैं ये थोड़े बड़े रहते हैं, एंड उसमें जो है हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, यानी जब मीटिंग होनी है तो उसमें 15 से 20 आदमी बैठने हैं या 30 आदमी बैठने हैं, तो वहाँ पैकेज एसी लग जाते हैं एरिया के हिसाब से, एक और दो, तो ये और थोड़ा बड़ा सिस्टम हो गया पैकेज एसी, या रूफ टॉप एसी भी बोलते हैं इनको, ये यूज करते हैं, तो ये भी लोकल एयर कंडीशनिंग के थ्रू जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग में या बहुत बड़े एरिया के लिए नहीं लगाए जा सकते, ये छोटे जो मीटिंग रूम है, अब आप इसको बोलो कि थिएटर में लगा दो तो पॉसिबल नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा वहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस रूम छोटे छोटे में ही लगाए जा सकते हैं, वहाँ दो या एक जैसे भी एरिया के हिसाब से लग जाते हैं, तो ये लोकल एयर कंडीशनिंग के तहत ही आ गया। उसके बाद स्प्लिट एसी सिस्टम। फ्रेंड्स ये भी एक सिस्टम है, स्प्लिट एसी के नाम से भी स्प्लिट एसी है, लेकिन सिस्टम स्प्लिट एसी सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि उसमें जो कूलिंग का सिस्टम, यानी हवा देने के लिए जो हमारा कूलिंग सिस्टम है, वो कंप्रेसर तो आउट बाहर लग जाता है हमारा, कहीं भी लगा दो थोड़ा सा पाइपिंग करके, और जो हमारी यूनिट है जिससे हमारा ठंडी हवा मिलती है या एयर फ्लो होता है, वो हम कमरे के अंदर लगा देते हैं, यानी ये दो हिस्सों में होता है, इसलिए इसको स्प्लिट एसी बोलते हैं। विंडो एसी ये एक ही पैकेज है, एक तरह से एक ही, मतलब एक ही बॉक्स में सारी चीज़ मिल जाएगी, कंप्रेसर भी उसी में होगा और तुम्हारा वाल्व भी उसी में होंगे, फ्लो भी होगा, ब्लोअर भी उसी में होगा, फिल्टर भी उसी में लगे होंगे, सारी चीज़ें, थर्मोस्टेट भी उसी में लगा होगा, एक ही डिब्बे में होगा और वो हमारा आधा बाहर आधा अंदर वॉल में लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से ये सारे सिस्टम आते हैं। फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ एचवीएसी सिस्टम में दो टाइप हैं, लोकल एचवीएसी सिस्टम और कॉमर्शियल। लोकल एचवीएसी सिस्टम भी 4 से 5 प्रकार का होता है, कॉमर्शियल या मॉडर्न, ये तरीके आप जानते ही हो, जो सेंट्रल एसी लगाते हैं वो कॉमर्शियल और मॉडर्न के तहत आते हैं, इनके बारे में हम आगे टाइप्स ऑफ मशीन्स या टाइप्स ऑफ एसी में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लोकल और ये कॉमर्शियल क्या है, तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।